हाय एवरीबॉडी, दिस इज जैस्मिन और लाइफ अपडेट चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपसे, मुझसे, हम सब से कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है। तो अगर आप खुद सोचिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये पूरा जो पैंडेमिक है COVID-19 का, इस दौरान आपने क्या सीखा? अगर आप इस पूरे पैंडेमिक को एनालाइज करें तो आपको पता है कि इस पैंडेमिक में गरीब और अमीर दोनों ही वर्ग अफेक्ट हुए हैं। मतलब जब कोई मुसीबत आती है तो सीधी सी बात है, वो कोई गरीब या कोई छोटा या बड़ा नहीं देखती, हर किसी पर बराबर आती है, राइट? इसीलिए हम इस पैंडेमिक से इतने ज़्यादा अफेक्ट क्यों हुए हैं? सवाल ये नहीं है कि कौन मरा, कैसे मरा, सवाल ये है कि क्यों मरा। आप खुद सोचिए, कुछ लोग COVID-19 से इन्फेक्ट होके मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भूखमरी से, गर्मी से, इन सब चीज़ों से मर रहे हैं। ये तो हमने उन गरीबों की स्टोरीज देखी हैं, राइट? उन मजदूरों की स्टोरीज देखी हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, हम बॉलीवुड की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, जिनकी सिर्फ और सिर्फ इस पैंडेमिक के दौरान डेथ हुई है। एक्सीडेंटल डेथ्स नहीं हुई, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड्स किए हैं, राइट? आप खुद सोचिए, उन लोगों के पास तो सब कुछ था, पैसा था, हर मटीरियलिस्टिक चीज थी, घर था उनके पास, तो क्या दिक्कत है? उन्होंने सुसाइड्स क्यों किए? उसका एक सबसे बड़ा रीजन था, उसका रीजन था एक डर। वो डर जो आपको है, जो मुझे है, जो हम सब लोगों को है, जो इस पूरी ह्यूमन रेस को है, और वो है बदलाव का डर। चेंज इज द बिगेस्ट थिंग वी फियर। उन लोगों को पता था कि जो लैविश लाइफस्टाइल वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में एंजॉय कर रहे हैं, अब नहीं कर पा रहे, या आगे शायद उतना नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ें जो मौज मस्ती, जो उनको इतना लैविश लाइफस्टाइल मिला था, उसकी उन्हें आदत हो गई थी, दे डेवलप द हैबिट। और इसलिए जब ये लाइफस्टाइल बदलना मुश्किल हुआ, तो अल्टीमेटली आप सब जानते हैं उन्होंने क्या किया, राइट? आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ टू चेंज योर हैबिट्स। क्योंकि दुनिया में चेंज एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, चेंज तो होगा, और हमारी जनरेशन बहुत फास्ट, इंस्टेंट, रैपिड चेंजेस देखेगी। तो फिर इस चेंज के साथ यूज्ड टू होना कैसे होगा? जब तक आप अपने लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे। लाइफस्टाइल बदलने के लिए आपको अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। सो दैट इज द टॉपिक, हाउ टू चेंज योर हैबिट्स। आदतें बदलना, मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल हो सकता है, हम सबके लिए होता है, क्योंकि हम एक चीज़ के यूज्ड टू हो चुके होते हैं, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। बट यस, वी हैव टू चेंज दैट। सबसे पहला स्टेप जो आप ले सकते हैं अपनी आदतें बदलने में, वो है अपना एनवायरनमेंट बदलिए। अब एनवायरनमेंट में सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती जो आपके आसपास पड़ी हुई हैं, एनवायरनमेंट में वो लोग भी आते हैं जिनकी संगत में आप हैं। अगर आपकी संगत ऐसी है जो आपको काम से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको लेट नाइट पार्टीज में इन्वॉल्व कर रही है, कहीं ना कहीं आपको ड्रिंक्स और अल्कोहल, इन चीज़ों की तरफ लेके जा रही है, तो आप खुद सोचिए कि वो संगत आपके लिए कितनी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि वो अच्छी नहीं है, तो उसको बदलिए, उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कीजिए, उनसे दूर हो जाइए। सेकेंड चीज जो है, आप अपने एनवायरनमेंट में दो चेंजेस लेके आइए। सबसे पहला, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फोन्स। हम सबको हमारे मोबाइल्स की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अगर हम कोई काम नहीं भी कर रहे, फिर भी हम फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट? और ये आदत बहुत अच्छी आदत नहीं है। हम सब लोग ये चीज़ को जानते हैं
कि रात को अगर हमें नींद नहीं आती हम तब फोन चलाते हैं, हम फ्री होते हैं हम फोन चलाते हैं, सुबह उठते सार सबसे पहले हमें फोन चाहिए होता है, चाहे उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट भी ना आए। अब आप मुझे रीजन देंगे कि हो सकता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट अलार्म्स, यू नो, हमने अलार्म सेट किए होते हैं, मे बी दैट्स द रीजन हमें फोन साथ रखना पड़ता है। वी ऑलवेज हैव एन ऑल्टरनेटिव, अलार्म क्लॉक्स रख सकते हैं, बट हमें फोन की आदत पड़ चुकी है। अलार्म क्लॉक सिर्फ एक एक्सक्यूज है। आप चाहें तो आप अपने फोन को रात को अलमीरा में अंदर रख के आराम से सो सकते हैं, लेकिन हम फोन्स के यूज टू हो चुके हैं, दैट्स द रीजन। अब अगर इसी तरह से आप फोन को अपनी लाइफ से ओमिट करके सेकेंड जो स्टेप है उसको ले लें, यानी कि जिस चीज की जो अच्छी आदत आपने डालनी है उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, उसे साथ रख लें, तो क्यों ना आप वो चीज कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को रीडिंग की आदत नहीं है और आपको वो हैबिट बनानी है, बिकॉज आप जानते हैं रीडिंग इज गुड फॉर यू, राइट? तो सिंपल सी बात है, आप अपने कमरे में हैं, जहां आपकी नजर सबसे ज्यादा जाती है उस कॉर्नर में आप कुछ बुक्स रख दीजिए, कुछ जर्नल्स रख दीजिए, अपने बेड साइड के टेबल पर एक दो बुक्स रख दीजिए। जब आप रूम में एंटर करेंगे कभी ना कभी आपकी उस कॉर्नर पे नजर जरूर जाएगी। जब नजर जाएगी तो कभी ना कभी दिल करेगा कि एक किताब उठा के देखें, राइट? एक किताब उठाओगे तो बाकी भी उठाने लग जाओगे, तो इसलिए अपना एनवायरनमेंट बदलिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब COVID-19 के ये जो दिन है, जब लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में बैठ गए थे और लोगों को इस वजह से बेली फैट की बहुत प्रॉब्लम आई है, लोग बहुत मोटे हुए हैं, राइट? और हम सब एक दूसरे को स्लिम ट्रिम पसंद करते हैं, राइट? सो दैट्स द रीजन। अब इसका एक रीजन क्या है? मेन रीजन है स्नैकिंग। हम सब कॉन्स्टेंटली घर पे फ्री बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, हमारा हाथ इधर उधर जा रहा है, राइट? व्हाट इफ अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को हल्का सा चेंज करूं, मेरे आसपास जो स्नैक्स पड़े हैं, जो चिप्स के पैकेट्स पड़े हैं, जो बिस्किट्स पड़े हैं, उन सब को फेंक के अगर मैं उनकी जगह अपने फ्रिज में कुछ फ्रूट्स ला के रख दूँ तो भूख तो मुझे लगेगी, और आलसी हम सब हैं। 10 मिनट आप बाहर जाओगे, वहाँ से चिप्स उठा के लाओगे शॉप से, फिर खाओगे। उसके अलावा आपको पता है आपके पास ऑल्टरनेटिव है, फ्रिज खोलोगे, वहां से फ्रूट्स निकालोगे और खा लोगे, आपकी भूख भी सैटिस्फाई हो गई और साथ के साथ आपने हेल्दी खाना खा लिया, राइट? तो ये जो एफर्ट्स हैं अपना एनवायरनमेंट चेंज करने के, अगर आप इसे शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे बदल सकते हैं। सेकेंड स्टेप, अगर आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी है तो बहुत जरूरी है, इंसेंटिव्स दीजिए खुद को। जी हाँ, अगर मैं खुद की बात करूं तो जब मैं काम से घर आती हूं, मुझे पता है मैं थक जाती हूं, मैं घर के काम नहीं कर पाती हूं, राइट? बट उस टाइम पे मेरे को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है कि यस, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू रेस्ट, राइट? मेरा इंसेंटिव हो गया, आई वांट टू रेस्ट। अब अगर आई वांट टू रेस्ट तो मैं एक ही फोकस रखती हूं कि अगर तूने रेस्ट करना है तो पहले ये काम खत्म कर दो, उसके बाद रेस्ट कर लो। मुझे तो रेस्ट करना है, तो मैं दुगनी स्पीड से, चाहे थकी हूं तब भी अपना काम खत्म करके फिर रेस्ट कर सकती हूं। इसी तरह के आप अपने छोटे छोटे इंसेंटिव स्पॉट्स पकड़ सकते हैं और उनके बेसिस पे आप अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एप्रिशिएट योरसेल्फ। मैं जानती हूं कि आदतें बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं, आप ट्राई करके फेल हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर रहे हैं। तो हर छोटी ट्रायल के लिए खुद को एप्रिशिएट कीजिए कि यस, आज एक दिन तो मैंने इस आदत को चेंज करने के लिए दिया, यस आई डिड समथिंग एंड आई विल डू इट। एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज एप्रिशिएट योरसेल्फ।
And now the last and the most important thing is focus on your mindset. जी हाँ, ये तीन स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आप तभी कर पाओगे जब आपका माइंड प्रिपेयर्ड होगा. क्योंकि जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं, जिसके हम यूज टू होते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं जिस लाइफस्टाइल के, वो हैबिट्स इस 10 पाउंड के दिमाग में बनती हैं. तो सबसे पहले इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है. एंड बिलीव मी, हम दुनिया में किसी से भी लड़ सकते हैं, कोई भी जंग जीत सकते हैं, लेकिन खुद से, खुद के मन से लड़ना और जीतना हम सबको मुश्किल लगता है. एंड दिस इज़ अ फैक्ट. तो ये तीन जो आपको मैंने पहले स्टेप्स बताए हैं, ये तब ही काम कर पाएंगे अगर ये काम करेगा, अगर आप इस पे काम करोगे. एंड दिस हैज टू बी स्लो. बिलीव मी गाइज, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद दिन में लेट उठते हैं, राइट? लेट उठने की वजह से हमारा सारा स्केड्यूल जो है हिल जाता है, हम सब जानते हैं. और हम कोशिश भी करते हैं कि हम जल्दी उठें, हम अलार्म्स लगाते हैं, बंद करते हैं, स्नूज करते हैं और फिर से लेट उठते हैं. क्यों? क्योंकि जब अलार्म बजता है तो हमारा माइंड कहता है सो जा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? एग्जैक्टली. वॉट इफ मैं एक बिगर गोल ना लेके चलूं कि मुझे सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करना है, घर का काम करना है, आई हैव टू गेट रेडी, आई हैव टू रीच द ऑफिस. इतने बड़े गोल्स के बजाय अगर मैं एक सिंपल गोल लेके चलूं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, उठना है, उठ के मैं जो मर्जी करूं, चाहे उसके बाद फिर से सो जाऊं, लेकिन मुझे सुबह 5 बजे उठना है. ये छोटा सा स्टेप वन है. नाउ फोकस कि मैं आपको कैसे ये स्टेप्स समझाने लगी हूं, इसी तरह से आप हर आदत चेंज कर सकते हैं. लेट्स बी ग्रेजुअल. माइंड चेंज करना है, माइंड गेम खेलिए, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आप फोन्स वाली जो मोबाइल्स में माइंड गेम्स आती हैं वो खेलिए, लेकिन माइंड की साइकोलॉजी के साथ खेलिए. उसका सबसे बड़ा और सबसे इजी तरीका यही है कि माइंड को इतना ग्रेजुअली चेंजेस में लेके जाओ कि माइंड को लगे ही ना कि कुछ चेंज हो रहा है. सुबह 5 बजे का अलार्म लगाइए. कोई बात नहीं, अलार्म बजेगा, आप स्नूज करोगे, ऑफ भी कर दोगे, उसके बाद फिर से सो जाओगे, नहीं उठोगे. दूसरे दिन फिर से वो अलार्म लगाइए, फिर से आप स्नूज करोगे, ऑफ करोगे, सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं. तीसरे दिन फिर से वो अलार्म लगाइए. अब थोड़ा सा माइंड आपका उस अलार्म को सुनने के हैबिचुअल हो रहा है. शायद आप हल्की सी आंख खोलोगे, 2 मिनट के लिए शायद आपकी जाग भी टूटेगी, लेकिन फिर आप फिर से सो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं. एट लीस्ट यू ओपन्ड योर आईज. 2 दिन से 1 स्टेप ऊपर गए हो आप. यही स्टेप्स पे खुद को एप्रिसिएशन देना पड़ता है. 4th डे अगेन जब अलार्म बजेगा, शायद आप उठ के 2 मिनट बेड पर बैठ जाओगे, उसके बाद फिर से सो जाओगे, अगेन 1 स्टेप ऊपर, राइट? 5th डे पे आप उठोगे, उठ के शायद आप फ्रेशन अप होगे, उसके बाद कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, शायद आप फिर से लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 स्टेप ऊपर गए. 6th डे पे लेट्स मेक अनदर हैबिट. अब आप सुबह तो उठना शुरू हो गए, एक हैबिट और डाल लो, 1 ग्लास पानी पी लो. सुबह उठ गए, 5 बजे आप उठ रहे हो, 1 ग्लास पानी पी रहे हो, 1-2 दिन ये चीज़ चलेगी कि शायद आप फिर से सो जाओ, बट बिलीव मी, पानी पीने के बाद आपकी नींद खुल जाएगी. 7th डे ऑनवर्ड्स आप क्या करोगे? सुबह उठ गए, पानी पी लिया, यू हैव एनफ टाइम, तो शायद आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाओ, शायद कुछ एक्सरसाइजेस कर लो. वो चीज़ें जो आपने कभी नहीं की थी, वो धीरे धीरे एक लाइफस्टाइल में आप इनकलकेट कर रहे हो. और उसके बाद इफ़ यू फॉलो दिस, बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ मंथ आपको खुद लगेगा कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, राइट? हमारा जो ह्यूमन माइंड है, इसकी एक बेसिक साइकोलॉजी है, उसको समझिए. हम चेंज को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं. तो क्यों ना ग्रेजुअली चेंज को एक्सेप्ट करना सीखा जाए. अगर आपको पता है
कि एक चीज, एक आदत को चेंज करने से आपका लाइफस्टाइल बन सकता है, तो उसको ग्रेजुअली चेंज कीजिए ना। ग्रेजुअली चेंज करने के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। हर दिन जिस दिन आप एक स्टेप फॉलो करने में सक्सेसफुल होते हैं, उस दिन खुद को अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज उससे आप अगला स्टेप करने के लिए मोटिवेट भी होंगे। दैट्स द सिंपल गेम। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और एक बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आप इन स्टेप्स को ऑलमोस्ट एक महीने के लिए फॉलो करते हैं, वैसे इट्स अ 21 डेज रूल, बट आई वुड सजेस्ट कि एक महीना फॉलो करके देखना। एक महीना अगर आप उसे फॉलो करोगे तो नेचुरली वो आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद शायद आपको 5 बजे का अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक खुद से वैसे रेगुलेट हो जाएगी। आप 5 बजे नेचुरली उठ जाओगे, आप बुक्स पढ़नी खुद से शुरू कर दोगे, आप खुद से हेल्दी खाना शुरू कर दोगे, आप खुद से फ़ोन को अवॉइड करना शुरू कर दोगे। ये आदतें आप अपने आप बदल लोगे, लेकिन इन्हें बदलना ग्रेजुअली होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? वाई शुड वी चेंज आर हैबिट्स? क्योंकि हैबिट्स जब पक जाती हैं, एक लाइफस्टाइल बना देती हैं, और जब हम उस लाइफस्टाइल के बीच में कंजस्ट होके, कैद होके रह जाते हैं, तो वो सफोकेटेड हो जाता है, वो एट द एंड ऑफ डे हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए अपनी हैबिट्स बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी हैबिट्स बदलोगे, आप अपने एक्शंस बदलोगे, एक्शंस बदलोगे तो अल्टीमेटली आपका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी चेंज होगा। सो इसलिए ट्राई टू फॉलो दीज पॉइंट्स, और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूजफुल लगी। प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।